समझाना होगा कि दिल्ली के अंदर इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ा सकती है, जिस तरह से व्यापारियों का रोष सामने आ रहा है और बड़े स्तर पर सीलिंग हो रही है। लिहाजा कुछ महीनों तक इस सीलिंग की कार्रवाई को टाला जा सके, ताकि जिन भी लोगों को कन्वर्जन चार्ज देने हैं, जैसे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को या फिर दुकान को रेगुलराइज करा सके, तो वो समय बाय अपॉन करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। और तीनों राज्य के हितों को एक मंच पर पहली बार देखा जाएगा, जब सीलिंग के मुद्दे पर ना सिर्फ पक्ष विपक्ष सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल एक साथ होंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष ने साफ किया है कि चूंकि आज उनका एक प्रोटेस्ट आया है, लिहाजा वो इस मीटिंग का पार्ट नहीं होंगे, लेकिन उनकी तरफ से 3 सदस्यों का डेलीगेशन भेजा जा रहा है, जिसके अंदर उनके प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष अमन पवार भी शामिल हैं और अभिषेक दत्त, जो कि आपको याद होगा जब सीलिंग की कार्रवाई लाजपत नगर में हुई थी तो अजय अभिषेक दत्त ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था और केजरीवाल को उस मार्केट को छोड़कर भागना तक पड़ा था। लिहाजा उनके साथ एक और सदस्य होंगे जो कांग्रेस के डेलीगेशन में शामिल होंगे। बीजेपी शामिल होगी इस मीटिंग के अंदर, ये भी महत्वपूर्ण बात, सचिवालय के अंदर 11:30 बजे मीटिंग शुरू होनी है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने नाम नहीं भेजे हैं, इन 3 सदस्यों को वो इस बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग के अंदर भेजने जा रही है। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद इन विपक्षी दलों की तरफ से, कांग्रेस बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से भी एक्सपेक्टेड है कि मीडिया के अंदर बताया जाएगा कि किन बिंदुओं पर मॉनिटरिंग कमेटी से बात हुई है और किन बिंदुओं पर सरकार अब इस सीलिंग के मसले पर राह देने के लिए आगे बढ़ेगी।